दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर जो बैटरी है वो बहुत ही ज्यादा टिकता है। मैंने कुछ सेटिंग किया है, इसकी वजह से मेरे फोन में ज्यादा बैटरी बैकअप मुझे मिलता है। आज किस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। वैसे मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, 65% बैटरी है। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, मोर देन 2 डेज लेफ्ट, मतलब अभी ये मेरा 65% बैटरी। मैं जिस तरह से अपने फोन को चला रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मली चलाऊंगा फोन कॉल कैमरे ये सब वगैरह यूज करके 2 दिन चल जाएगा। सोचिए अगर 100% होता तो थोड़ा ज्यादा भी फोन को चलाते ना तो 3 दिन तो नहीं 2 दिन तो पक्का चल जाता, क्योंकि आप जनरली यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आज आपको सीक्रेट बताऊंगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे, और कमेंट में आपको बता देना है आपके पास कौन सा मोबाइल है। मोबाइल का नाम लिख के आप लोग आपको लिख देना है, मोबाइल बैटरी बैकअप सेटिंग या सीक्रेट सेटिंग। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ 5 सीक्रेट। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा, आपके मोबाइल के बैटरी ही सेटिंग, बैटरी की सेटिंग में ही जाना है। जनरली सिंपली आप मोबाइल में सेटिंग में जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, बैटरी दिख जाएगा, बैटरी पे क्लिक करिए। और बैटरी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। आपको अपने फ़ोन के अंदर आपको ये बैटरी सेवर सेटिंग मिलेगा, या तो हो सकता है आपके पास रियलमी का, ओप्पो का या सैमसंग का मोबाइल हो तो उसमें सेम ना मिले, बट ऊपर नीचे आप देखोगे तो मिल ही जाएगा। बैटरी सेवर सेटिंग में जाने के बाद इस पर अंदर जाओगे ना, यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग देखने के लिए मिलेंगे। बट यहाँ पर आपको ये ऑटो टर्न ऑन डार्क थीम व्हेन बैटरी सेवर इज ऑन, ये चालू कर दीजिए। रिड्यूस रिफ्रेश रेट, स्क्रीन रिफ्रेश रेट टू 60 Hz व्हेन बैटरी सेवर इज ऑन, ये भी चालू कर दीजिए। और रिड्यूस स्क्रीन टाइम आउट, तो ये भी आपको कम कर देना है। ये कैसे होगा, जब आप बैटरी सेवर को ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन रिफ्रेश रेट कम हो जाएगा, इससे आपके फ़ोन की बैटरी पे बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। मतलब आप देख कह लो ना, आपके फ़ोन डबल चलेंगे बैटरी बैकअप। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप कर लीजिएगा। ऑटो एग्जिट बैटरी सेवर ये भी चालू करके रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक मुख्य चीज़ बताना चाहूँगा, आप ये सब सेटिंग कर लो और आप ना 10 घंटे तक 8 घंटे तक लगातार गेम खेलो और 8-10 घंटे के बाद आपका बैटरी लो हो जाएगा था, बोलोगे भाई आपने तो बोला था 2 दिन बैटरी चलेगा लेकिन मेरा तो 8-10 घंटे में ही ख़त्म हो गया। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप लगातार गेम खेलते रहोगे 8-10 घंटे और आपका बैटरी बैकअप उसके बावजूद भी 2 दिन देगा, नहीं ऐसा नहीं है। गेम को आप नॉर्मली खेलिएगा 1-2 घंटे और फिर आप सब कुछ अपना फ़ोन कॉल या कैमरे फोटोज़ वीडियो आप लीजिए तो आपका बैटरी बैकअप चलेगा, लेकिन कंटिन्यू गेम वाला नहीं, ये तो आप चीट करोगे ना अगर आप ऐसा करते हो तो। चलिए ये होने के बाद हम दूसरी चीज़ की ओर चलते हैं, ऑटो टर्न ऑन। ये भी आप कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट ये मैं अभी नहीं रखता हूँ चालू करके, मेरा जनरली ऐसे ही ठीक है। अब वीडियो के अंत में आपको एक और सीक्रेट बताऊंगा, उसके पहले ये 3 सेटिंग को जरूर कर लीजिएगा। एक चीज़ और बैटरी के लिए है दोस्तों, यहाँ पे चार्जिंग सेटिंग आपको मिलता है। चार्जिंग सेटिंग में जाने के बाद ना ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग मिलेगा, इसको चालू कर दीजिएगा। ये है क्या, स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड ऑन हैबिट। अब जिस तरह से फ़ोन को यूज़ करते हैं, रात को आप चार्ज में लगाते हैं ज़्यादा देर तक या पूरी रात तक, तो ये ना ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज कर देगा उस हिसाब से। रात में आप लगाओगे चार्ज में तो फ़ोन ऑटोमेटिकली 90% पे जाके स्लो चार्जिंग करेगा, मतलब बैटरी हेल्थ को ये बचा करके रखेगा। बैटरी हेल्थ ही तो मायने रखता है ना बैटरी को बैकअप बढ़ाने में, तो बैटरी हेल्थ आपका बिगड़ा हुआ है तो आपकी बैटरी बैकअप कम देंगे आपको बैकअप, तो ये ज़रूर करके रखिएगा, इससे आपकी बैटरी हेल्थ बहुत बेटर होता है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले सेटिंग की ओर, जो कि हमें यहाँ पे नहीं हमें दूसरे जगह करना है, और वो है हमारा, जैसे बाहर आएंगे तो वो हमारे फ़ोन के अंदर मिल जाता है। ऊपर स्क्रॉल करोगे लोकेशन आपको मिलेगा, यहाँ से ये देखिए लोकेशन मिल रहा है ना, दिख रहा है ना, या तो यहाँ पे क्लिक करके लोकेशन में चले जाइए, या तो इसके बावजूद आप दूसरा काम कर सकते हैं, सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, मेरा लोकेशन ये है, लोकेशन पर जाना है। आप नीचे आपको देखोगे लोकेशन सर्विस मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर दो सेटिंग मिलेगा, वाईफाई स्कैनिंग ब्लूटूथ स्कैनिंग। वाईफाई स्कैनिंग को बंद कर दीजिए, ब्लूटूथ स्कैनिंग को ये भी बंद कर दीजिए। अब ये एक्चुअली में करता क्या है, जैसे आप पब्लिक प्लेस में, जैसे स्टेशन बस स्टेशन या कहीं आप जाते हो ना एयरपोर्ट वगैरह, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड में
स्कैन करते रहता है वाईफाई को या ब्लूटूथ को। इसमें ना दो दो खतरा होता है। चलो बैटरी तो आपका ख़त्म होता ही है इसमें ज़्यादा, लेकिन इसके साथ साथ दो खतरा और भी होता है कि कोई अगर थर्ड पार्टी या हैकर का कोई वाईफाई वहाँ पर आपने कनेक्ट कर लिया या आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ले लिया तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। आपके अगर पैसे वैसे हैं बैंकिंग वगैरह में तो कुछ हद तक आपके रिस्क रहेंगे कि आप हैक हो सकते हो। तो हैकिंग से बचने के लिए ये भी फ़ायदा होगा, ये दोनों सेटिंग को बंद रखिएगा तो आप बचे रहोगे और बैटरी तो बचेगा ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग थे। अब एक सेटिंग और मैं आपको दिखाऊंगा जो कि हमारे फ़ोन में होता है लॉक स्क्रीन के रिलेटेड। लॉक स्क्रीन आपको सर्च करना है, लॉक मैंने सर्च किया तो लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर आया। तो ये आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद सेटिंग में जाओगे और यहाँ पर जैसे लॉक स्क्रीन पोस्टर हमें देखने के लिए मिल रहा है तो आपके रियलमी के फ़ोन में दूसरा चीज़ लिखा हुआ रहेगा, ग्लैंस रहेगा। सैमसंग के फ़ोन में भी ग्लैंस लिखा हुआ रहेगा। इस पर क्लिक करके ना इसको बंद कर देना है। जैसे ये देखिए मैं हमेशा बंद ही रखता हूँ। इसमें होता क्या है, आपके मोबाइल के वॉलपेपर जो है ना ये ऑटोमेटिकली ये चेंज होगा या यहाँ पे बार बार कोई ऐड वगैरह आएगा तो बैटरी तो इसमें जाएगा ही ना यार। बैटरी के साथ साथ मोबाइल का इंटरनेट डाटा भी खर्च होता है तो कहीं ना कहीं मुसीबत होता है। तो आप इसको बंद रखिए, ओके कर दीजिए। अब ये आपका ना मैंने आपको 5 सेटिंग बोला था बट असल में मैंने आपको 7 सेटिंग के बारे में बता दिया। तो ये सारे सेटिंग अगर आप कर लोगे अपने फ़ोन के अंदर आपकी बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा चलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये सारे सेटिंग कर लीजिएगा, अपने फ़ोन का नाम कमेंट में लिखिएगा और बैटरी डिस्चार्जिंग दोबारा आपके फ़ोन में ऐसा नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे थे ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। कमेंट में लिख देना है बैटरी सीक्रेट ट्रिक या बैटरी सेविंग सीक्रेट ट्रिक। चलिए मैं मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।